हेलो एवरीवन, ये ब्लूटूथ में मैं इसके बैटरी को चेंज करूंगा। इसके स्पीकर के वायर जो है कट चुका है, उसे मैं रिपेयर करूंगा और इसके माइक को चेंज करूंगा। जहां पर टच या फिर जितने भी कंपोनेंट मिलता है मोबाइल का, वहीं पर ये बैटरी भी मिल जाएगा। और ये बैटरी जो है 120 mAh का बैटरी है। इसका 25 पीस का एक सेट आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि ये जो बैटरी है 120 mAh का बैटरी है, बट ये बैटरी पर कोई भी लेवल नहीं है कि ये बैटरी कितने एमएच का दिया हुआ है। तो उसमें मैंने देखा था, और ये 3.7 वोल्ट नॉर्मल पावर है, और इसका हाई पावर जब फुल चार्ज होगा तो 4.2 वोल्ट हो जाता है। तो ये बैटरी को ही मैं चेंज करके दिखाऊंगा, और इसका जो भी कनेक्शन है वो भी आप देखेंगे, और बैटरी को किस तरह से चेंज करना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने ब्लूटूथ के बैटरी को चेंज कर सकते हैं। बट अगर जब भी आप इस तरह के बैटरी को चेंज करें तो ओरिजिनल बैटरी का यूज करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लूटूथ में बैटरी को चेंज करके दिखाऊंगा, और इसका कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो चुका है। जैसे कि ये देखें कि ये एक साइड का जो ये वायर है, ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो मैं इसका भी कनेक्शन करूँगा और इसके बैटरी को मैं चेंज करूँगा, क्योंकि ये देखें कि ये इस तरह से प्रॉब्लम होता है क्या कि जब इसे ऑन कर रहा हूँ तो ऑन भी नहीं हो रहा है और ना ही ये चार्ज ले रहा है। तो इसमें क्या होता है कि बैटरी का ही प्रॉब्लम होता है। तो ये देखें कि यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है, तो मैं इस तरह से जब इसे ऑन कर लेता हूँ, ये देखें, ये जब ऑन होता है तो यहाँ पर एक एलईडी जो है इसमें ग्लो करेगा, जो रेड और ब्लू होता है। तो वो एलईडी इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है, और ये यहाँ पर ऑन भी नहीं हो रहा है। और जब मैं इसे चार्जिंग पर लगा रहा हूँ तो ये चार्ज भी नहीं ले रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसे मैं रिपेयर करूँगा और ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसमें बैटरी कैसे चेंज करना है वो भी देखेंगे। और यहाँ पर मैं चार्जिंग लगा लेता हूँ, तो अब देखेंगे क्या इस तरह से जब मैं यहाँ पर चार्जिंग लगा रहा हूँ तो ये देखें कि ये यहाँ पर कुछ सो देखें कि ये देखें ये ऑन हो गया। ये ऑन करने के बाद ये बिल्कुल ऑन हो जाता है, बट जब मैं ऑफ हो जाता है तो अब देखें ये ऑफ हो चुका है। तो ये होता है कि जैसे कि अब देखें यहाँ ऑफ पर मैं जब इसे चार्जिंग लगा रहा हूँ तो ये चार्ज नहीं ले रहा है। यहाँ पर एलईडी ग्लो करना चाहिए, रेड एलईडी, और जब फुल चार्ज हो जाए तो ये ब्लू एलईडी ग्लो करता है। बट ये देखें कि अभी चार्जिंग नहीं ले रहा है, और जब मैं ऑन किया था तो ये चार्ज ले चुका था। ये लगता है कि चार्ज ले चुका था, बट ये चार्ज नहीं लिया था, ये जो ऑन हो चुका था चार्जिंग से ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो अब देखें कि ये ना ही चार्ज ले रहा है, और जब मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो ये ऑन भी नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम ये चार्जिंग का दिया हुआ है, और यहाँ से ऑन ऑफ दिया हुआ है। जब यहाँ से कॉल रिसीव करते हैं या कॉल ड्रॉप करते हैं तो ये बटन दिया हुआ है। यहाँ से सॉन्ग को नेट से आप स्टॉप कर सकते हैं, और यहीं से इसे प्ले भी कर सकते हैं। और इस साइड में सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए, और यहाँ पर प्लस और माइनस दिया, जहाँ से वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं और वॉल्यूम को घटा भी सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से खोल लूँगा, क्योंकि इस साइड में बैटरी है। तो सबसे पहले मैं बैटरी की कैपेसिटी को चेक करूँगा। तो यहाँ से इस तरह से इसे हटा लें, और इसे हटाने के बाद इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, इसे खोल लेना। ये स्क्रू ड्राइवर का यूज करूँगा, और ये स्क्रू को यहाँ से मैं खोल लूँगा। तो ये देखें, ये बिल्कुल अच्छे से खुल जाएगा। खुलने के बाद इसे इस तरह से क्लिक करें, या फिर किसी भी स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस तरह से क्लिक करते जाएं, तो ये बिल्कुल लॉक किया हुआ रहता है, ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये देखें, बिल्कुल इस तरह से निकल चुका है। और अब इसमें इसके इन साइड में बैटरी है, और यहाँ पर बैटरी का कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये बैटरी का कनेक्शन यहाँ पर दिया गया है, ये बी माइनस है और यहाँ बी प्लस, तो ये पॉजिटिव और ये माइनस का कनेक्शन है। तो मैं यहाँ से ये इसे निकाल लूँगा और इसके बैटरी की कैपेसिटी को चेक करूँगा। तो ये देखें, बैटरी है और इसकी कैपेसिटी को मैं सबसे पहले चेक कर लें, कंटिन्यूटी पर रख लिया हूँ। और अब मैं यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव को चेक करता हूँ, तो बैटरी का जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। ये देखें, बिल्कुल ही शून्य है, यहाँ कोई कैपेसिटी इसमें बता ही नहीं रहा है कि बैटरी चार्ज है, जीरो हो चुका है। तो ऐसा होता क्या है कि ये बैटरी कब का है, ये डेट देख सकते हैं, करीब 7/11/2017 ये इसका डेट है। और ये बैटरी का जो डेट है इसमें भी दिया हुआ है,
तो ये देखें 21/12/2017, तो ये बैटरी उस टाइम का है जब ये ब्लूटूथ में फर्स्ट बार यूज किया गया था, तब से अभी तक ये यूज किया जा रहा था, बिल्कुल सही था। और 150 mAh का ये बैटरी है, 3.7 वोल्ट, तो ये बैटरी कितने दिनों से बिल्कुल सही से बैकअप दे रहा था। तो मैंने जब इस तरह के बैटरी को मार्केट में खोजा तो मेरे को इस तरह के बैटरी नहीं मिला, मेरे को यहाँ पर इस तरह के बैटरी मिला। ये देखें, ये बैटरी इससे थोड़ा सा छोटा है और इसकी कैपेसिटी भी इसमें नहीं है, क्योंकि मार्केट में इसी तरह के बैटरी मिलते हैं या फिर और भी कहें तो ये बैटरी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बट इसके ऊपर जब ये कवर में लॉक था जहाँ बहुत सारे बैटरी था उसमें लिखा हुआ था ये 3.7 वोल्ट और 120 mAh का ये बैटरी, 120 mAh का ये बैटरी उसमें लिखा हुआ था, बट इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। बट ये बताया गया कि 120 mAh का बैटरी है और ये मार्केट में मेरे को 110 रुपये में ये बैटरी मिला, तो मैंने इसे परचेज किया और अब मैं यही बैटरी को इसमें यूज। तो चलिए इसकी कैपेसिटी को चेक करते हैं। तो ये मल्टीमीटर में यहाँ पर मैं ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर टच कर लूँगा, इस तरह से पॉजिटिव पर टच करना है और नेगेटिव को नेगेटिव पर टच करके देख लेना है। तो ये देखें बैटरी का कैपेसिटी, 4.01 वोल्ट है, तो ये बैटरी जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, तो ये दोनों वायर को यहाँ से डिसोल्डर करता हूँ। तो ये कनेक्शन हट चुका है एक, और दूसरा जो है मैं ये सोल्डर आयरन का यूज कर रहा हूँ, ये 60 वाट का है, यहाँ पर ज़्यादातर 25 वाट का सोल्डर आयरन का यूज करें, जिससे क्या होगा काफ़ी आसानी से ये बैटरी जो है वो डिसोल्डर हो जाएगा। ये देखें कनेक्शन कैसे करना है, तो इस तरह से ले लेना है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर ज़रा सा सोल्डर कर देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में इस तरह से सोल्डर कर लेना है। और अब मैं यहाँ पर कनेक्शन कर लूँगा, तो ये पॉजिटिव का कनेक्शन है, पॉजिटिव पर कनेक्शन करूँगा मैं, और ये देखें बिल्कुल सही से हो चुका है। और दूसरा जो कनेक्शन है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पर मैं नेगेटिव का कनेक्शन किया, और ये देखें कि ये ब्लूटूथ जो है कनेक्शन करने के बाद ये ऑन किया हुआ था, तो ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। यहाँ पर देखें ये LED ग्लो कर रहा है, और जैसे ही ऑन होता है तो इसमें एक छोटे से मोटर का यूज किया गया है जो इसे वाइब्रेट करता है, तो ये वाइब्रेट भी हुआ और ये बैटरी लगाने के बाद ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। तो ये बैटरी का जो कैपेसिटी था वो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो चुका है, ना ही ये चार्ज ले रहा है, क्योंकि ये करीब कितने सालों से यूज हो रहा है। इस तरह से बैठा लें और बैटरी के इन कर लें इसके कवर को, ताकि ये यहाँ से निकले ना, और ये बटन जो है ये बिल्कुल सही से वर्क करें। तो ये देखें इस तरह से बैठा लेना है, और ये देखिए ये जो स्पीकर का वायर है ये भी ब्रेक हो चुका है, तो चलिए इसे भी मैं यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से कट करके निकालूंगा, और इसे कट करना है एक ब्लेड की हेल्प से, इस तरह से कट करें ताकि अच्छे से इसके कवर जो है वो हट जाए। तो मैं इसे यहाँ से हटा लिया हूँ, और इसमें देखें कि दो वायर इन है, और इन दोनों में भी ये दो वायर इन रहेगा, तो इसके भी कवर को इस तरह से करके कटिंग करके हटा लें।
से नीचे कर लें ये स्लीप को, और ये भी अटैच हो चुका है और ये इसके ऊपर कवर। कर सकते हैं कॉल एंड मीडिया प्लेयर में, तो ये मैं यहाँ से इसे ऑफ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कोई भी म्यूजिक को प्ले करता हूँ। तो जैसे कि कोई भी म्यूजिक है तो इस तरह से मैं ये म्यूजिक को ले लिया, चालू हो चुका है। और अब मैं यहाँ से इसे प्रेस करके इसे ऑफ भी कर सकता हूँ और फिर मैं इसे प्रेस करके इसे ऑन भी करता हूँ, तो इस तरह से ये हो रहा है। और अब मैं यहाँ से सॉन्ग को नेक्स्ट भी करूँगा तो देखिए कि सॉन्ग जो है वो नेक्स्ट हो चुका है, फिर ये प्रीवियस हो चुका है। तो ये बटन जो है वो सॉन्ग को नेक्स्ट और प्रीवियस करने के लिए है। इस साइड में जो बटन है ये है इसके वॉल्यूम का, तो ये देखिए कि ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम को यहाँ से कम कर सकते हैं।
तो ये बटन भी बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है और ये टोटल कनेक्शन जो बिल्कुल सही। स्पीकर की बात करें तो इसका स्पीकर का वॉइस जो है वो बिल्कुल ही क्लीन है और इसमें सराउंडिंग साउंड भी और वूफर दोनों की आवाजें जो है वो मिसलेनियस में है, जिसकी आवाजें सुनने में काफी बेस्ट लगता है। तो इस तरह से ये वर्क था। तो जैसे ही मैं यहाँ से इसे प्रेस किया, ये साउंड जो है ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से ये ब्लूटूथ जो है वो बिल्कुल सही है और ये बिल्कुल अच्छे से वर्क भी कर रहा है। तो मैंने इसका बैटरी भी चेंज कर दिया और इसके माइक को भी चेंज किया और ये स्पीकर का वायर जो था कटा हुआ उसे भी मैंने रिपेयर किया। तो देखा आपने कि कैसे मैंने एक ब्लूटूथ को रिपेयर किया और ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक।